जी ये है सिविक का 2024 ना उल्टा देने वाले है। अच्छा तो बॉयज मशवरा आप लोगों के साथ करना। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। थोड़ी भाईजान आज एक मसला हो गया हमारे साथ। वो मसला ये है कि जो सेल्समैन है उसके साथ भी एक चाबी है शॉप की और हमारे साथ भी चाबी है एक शॉप की। तो उससे चाबियां है, कल जब हम दुकान बंद कर रहे थे तो उससे चाबियां दुकान के अंदर रह गई। अभी तक शॉप बंद है, तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। मैं 11 उठा तो इतने कॉल्स आए थे और जब मैंने भाई से पूछा तो उसने कहा कि उससे चाबियां शॉप के अंदर रह गई है, तो जल्दी से तैयार हो जाओ, नाश्ता वाश्ता करो ताकि निकल जाए टूवर्ड शॉप। लग भी बस जाएंगे, नाश्ता वाश्ता वगैरह भी करेंगे। और आप लोगों के साथ इस ब्लॉग बनाने का मकसद ये है कि आज एक नया सामान आ रहा है जो कि पहले हमारे शॉप में नहीं था, और उसके अलावा उसके अंदर मैंने एक बहुत सी नई चीज़ मंगवाई है। आपने बहुत से टाइप आर्स वगैरह बम्पर्स वगैरह देखे होंगे सिविक के, लेकिन उसमें एक नया टाइप आया है, वो भी आप लोगों को दिखाना है। और उसके अलावा आप लोगों के साथ एक मशवरा करना है, और वो मशवरा ये है कि हम नई गाड़ी कौन सी ले ले, क्या करें क्या ना करें। लेकिन उसमें अभी मसला ये है कि ये व्लॉग आप लोगों तक टाइम पर पहुंच जाए। मेरे पास बहुत से पेंडिंग व्लॉग्स है इससे पहले, तो वो भी आप लोगों तक पहुंचवाने हैं। लेकिन आजकल आपके भाई का यकीन मानो इस तरह टाइम चल रहा है, इस तरह ज़िंदगी चल रही है कि मुझसे एक व्लॉग पर वन डे मैनेज ही नहीं हो रहा। सिर्फ एडिटिंग बनाना और एडिटिंग तो छोड़, सिर्फ एडिटिंग भी मैनेज नहीं हो रहा। लेकिन खैर, आप लोग अपनी सपोर्ट और दुआओं में मुझे मत भूलिएगा, और इसी के साथ कोशिश करेंगे कि अपने टाइम को मैनेज करें किसी ना किसी तरीके से। और उसके अलावा लेट्स गो, लेट हो रहे हैं। इसी के साथ अगर आप इस चैनल का हिस्सा नहीं है तो हिस्सा बन जाए बाई सब्सक्राइबिंग एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। Let's go. Hey, मेरा स्टॉक ब्रीतू एवेक एडेक, जरूरत की चीजें अपने साथ ले लिए। और ये देख एवेक एडेक, पूरे 20 नट्स में सिर्फ ये वाला चेंज है। अच्छा, ये भी आज चेंज करते हैं। शुक्र है मुझे याद आया जैसे बाहर पहुंचा, बाहर आया। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट दिस ब्रीथ। I miss its आवाज। और इसके अलावा एवेक एवेक ये क्या चीज बना है, इसको भी करते हैं फिक्स, क्योंकि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जब कस्टमर इधर से आएगा और ये देखेगा तो वो खाक मुझे पैसा देगा, 50,000 उसके कम जहन में आएंगे। okay. भाईजान HW ऑटोज इज क्लोज्ड, और सामान भी अभी तक नहीं आया है। लेट्स सी, वो भी पहुंचे गए तकरीबन आधे घंटे में या एक घंटे में। लेट्स ओपन दिस। गाड़ी को यहाँ से हटाते हैं भाईजान, किसी शेडो के नीचे इसको कड़ा करते हैं, कड़ा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 12 बज गए हैं, 12 बजे हैं। इसकी इस टाइम पर धूप बिल्कुल फुल 90 डिग्रीज पे होता है। तो लेट्स गो, लेट्स सी व्हाट वी फाइंड। माशाल्लाह यार क्या जगह मिल गई। बस यार इधर ही इसके ऊपर वो डाल देंगे, क्या है, टॉप कवर, और बस बाकी अल्लाह जाने और गाड़ी जाने। A few moments later. माल आ गया, माल आ गया, कई माल आ गया, आ गया। इसी जिसका माल आया है वो भी साथ खड़ा है भाईजान, एक अदद शॉपर। अबे यार हमारा नहीं है। बैक टू एडिटिंग वंस अगेन, माल इज हियर। माल आ गया, माल आ गया। ओ हो हो हो, अभी सही माल आ गया। लेट मी शो यू गाइस। एवेक भाईजान, एवेक एवेक, सिविक टेल देम, सिविक टेल देम। ये भी पता नहीं टेल लैंप होगा, बम्पर्स हो गए, ये भी बम्पर हो गया, वो भी बम्पर हो गया। लेट्स सी, इन सारा इंशाल्लाह अनबॉक्स करेंगे आज ही, इसको देखेंगे सारा कुछ के पूरा आया है या फिर नहीं, और जो चीज़ हमने मंगवाई है सेम चीज़ आया है या फिर नहीं। लेट्स सी। ये पता नहीं यार, इसने मुझे हैरान कर दिया।
सकता है पर नई चीजें भी आते हैं। भाईजान एक हमारे पास ये वाला टेल लैंप है, सबर ये देखो स्मोक वाला, बड़ी खूबसूरत किस्म की चीज़ है भाईजान। सबर लेट मी शो यू गाइस, ए देख फॉर सिविक एक्स, माशाल्लाह माशाल्लाह। एक हमने ये मंगवाया था और एक और बड़ी यूनिक चीज़ मंगवाई है, वो भी दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इन्हीं में एक से मिल जाएगा हमें, तो वो भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह वेरी सून। थोड़े भाईजान माशाल्लाह इस तरह से पैक्ड है ना, ये कौन सा वाला है? ओहो, ये भी स्मोक्ड है। वो जो थ्रीन लाइंस जो होते हैं, मैं एक पिक्चर अटैच कर दूंगा, बड़ी खूबसूरत चीज़ है भाईजान। लेकिन वो जो यूनिक की बात कर रहा था, वो जो बहुत कम है सिविक्स में, वो इसके बाद निकलेगा शायद इंशाल्लाह। लेट्स सी, इसको भी वापस रखते हैं। लेट्स ओपन द लास्ट वन। जी ये है सिविक का 2024 16 दे मड़ा। इसका न्यू डिजाइन ब्रेक बात है, ये खुलोगा भाई चेक कर। वाओ यार उल्टा देने वाले है। तो भाई जान ये वो यूनिक वाला है जो कि बहुत से सिविक्स में आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये मैंने खास एक बंदे के लिए मंगवाई है, लेट्स सी वो लेता है या फिर नहीं, लेकिन अब रख लेंगे इंशाल्लाह। सेल तो वैसे भी हो जाना है एक ना एक दिन। लेट्स अनबॉक्स इट फॉर, और जो कुछ वीडियोस बनाते हैं फॉर टिकटॉक। मैं क्या चाहूँ वापस। ये बड़े ज़बरदस्त परफ्यूम्स है भाई जान, ये देख कितने सारे लाए हैं, पूरा स्टॉक उठा लिया। और ये देख ज़बरदस्त नोज़ल मिल गया, ये इसका फेवरेट है। किधर गया शायदा दिनों जल तो सोई ना, मार 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 फोड़ दे राशन। इधर से मिलेरिटीज इधर, ये मेरे सेम जैसा है। रोटी शोटी कर लिया भाईजान, रॉकेट लॉन्चर के साथ जा रहे हैं टुवर्ड्स वेयर हाउस। वेयर हाउस में सब कुछ रखेंगे, जो बम्पर्स वगैरह है क्योंकि शॉप छोटा है तो सब कुछ वहाँ रखते हैं। जी गाइस कैसे हो, सीधे कप फुल मूड के। भाईजान फिलहाल इस जगह की सेटिंग कर रहे हैं, कुछ टीएक्सआर्स है जो कि हमने बहुत पहले लाई है लेकिन उधर हमने शॉप में रखी नहीं थी, तो इन सब से एक एक सैंपल ले जाते हैं यहाँ से और फिर बम्पर्स वगैरह इधर लाएंगे इंशाल्लाह, उसके लिए जगह बना रहे हैं। भाईजान मौसम पर आए तो ऑलमोस्ट बारिश हो रही है, वेरी सून होगा ये देख, ये देख। तो लेट्स होप सो टाइम पर ये सब कुछ अंदर लाए ना। मुझे ये नहीं पता कि वो शील्ड्स किस लिए है, आई थिंक वो बम्पर का जो नीचे जगह है वो जगह है, ये फुटबोर्ड्स किस लिए है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ले रहा हूँ। और इसमें तो करूँगा ये अभी कि ये छोटे छोटे जग जो चीज़ें हैं इसको खोलूँगा, इनको भी खोलूँगा और फिर सिर्फ प्लास्टिक में इनको रैप करके एक एक चीज़ रखेंगे, बाकी वी विल सी विद इट। लेट्स सी फिलहाल ये ओपन करते हैं कि ये क्या है। अच्छा भाईजान इसके अंदर तो ये वो 12 मॉडल वाला जो लेक्सस बम्पर आता है, मैं पिक्चर ढूंढ लूँगा आप लोगों को दिखा दूंगा, उसका ये ग्रिल है, इसको वापस इसी में रखते हैं। इसके अंदर ग्रिल्स है भाईजान, एक दो तीन, और हमने तीन पम्पर्स भी मंगवाए हैं, बाकी पम्पर्स भी फिर खोलेंगे इसके बाद, ये इस चीज़ की बारी है। इसके अंदर भाईजान वो जो कवर्स वगैरह होते हैं, ये देखो जो पीछे लगते हैं फ्रंट पे लगते हैं, वो चीज़ें इसमें निकल गई, अभी ये भी रखते हैं ऊपर। इसके बाद बारी है उसकी शायद या इसकी, लेट्स सी। ओए होए होए भाई जान असल सामान तो अभी निकल गया इसमें, इसमें क्या चीज़ें है, आई थिंक ये FC4 वर्जन 2 है शायद, इसके अंदर उस सब कुछ वो सामान है। एक दो तीन तीन चार, चार बम्पर्स है इसमें, आई थिंक वर्जन 2 एंड वर्जन 3 इसमें है, और वो उस पर तो लिखा है वर्जन 1 वो है। या अल्लाह रहम भाईजान, हमें पता ये चला कि ये जो बम्पर्स वगैरह है ये सब पीसेस में है भाईजान, आई थॉट सीधा सादा फुल पीस मिलेगा हमें, लेकिन ये सारे पीसेस में है, इसी तरह बेचते हैं वो लोग। तो लेट्स सी अभी क्या बनता है, शायद ये सब कुछ, ये वो लेक्सस वाला बम्पर है भाई, देखो मुझे भी पता चला 12 कोरोला में जो आता है। तो लेट्स गो, बस और कुछ नहीं है, इसको करते हैं बंद, बाकी देखा जाएगा कि इसके साथ क्या करना है, किसी और दिन इसको ठीक करेंगे, मन जाएंगे, मतलब एक एक बम्पर को सही करेंगे।
اكيد A few hours later. Acha to boys, let's do one-on-one mashwara. कि आप लोगों के साथ करना है. आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं क्या करूँ. रुक तेरे को बताते. मैं चाहता हूँ कि मैं edits वगैरह जल्दी करूँ आप लोगों तक. vlogs वगैरह जल्दी पहुँचाऊँ ताकि आप लोग मुझे ये मशवरा दे दे कि ये गाड़ी तो मैं सेल कर रहा हूँ. ठीक हो गया जी. ठीक है समरिया. ये गाड़ी सेल होगी अराउंड पता नहीं लेकिन अच्छे में सेल होगी. इसके अंदर मैं दो गाड़ियाँ लूँगा. दो गाड़ियों में अभी जो एक गाड़ी है जो कि मेरे सोच में है जो कि अभी तक मैंने रिवील नहीं की है जो कि रिवील करूँगा इंशाल्लाह लेकिन एक हिंट दे दूँ वो सख्त पैदा होती है तो उस वजह से हम तो मैं क्या बोल रहा था यार भूल गया. तो वो तो खैर मतलब कंफर्म है वो तो मैं कर दूंगा लेकिन उसके अलावा हमारे पास है फॉर अनदर कार जो दूसरी कार होगी उसके पास हमारे पास बजट है तकरीबन 30 अराउंड 30 सो समझ लो आप लोग. तो आप लोग खुद बता दो मतलब पहली सोच तो मेरा E140 था लेकिन E140 में फिर मुझे ये सोच आया कि यार लोग बड़ा उसको ख़राब यूज़ करते थे तो उसमें अच्छा पीस हमें मिलेगा नहीं. तो फिर मेरा सोच गया टूवर्ड्स होंडा सिटी जो कि बड़ी ज़बरदस्त एवरेज भी देती है जो कि मतलब एक रिलायबल कार भी है और उसके अलावा उसका जो लोग है जो जहाँ वो यूज़ होती है वो ख़राब यूज़ नहीं होती मतलब मोस्टली फैमिली यूज़ वगैरह होती है और उसके अलावा तो वही अभी सिटी में. लेकिन मेरे भाई ने ये कहा कि हम रिबर्थ ले लें लेकिन रिबर्थ में फिर उसका ख़र्चा वगैरह बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं एक गाड़ी रिलायबल की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि जब मैं ग्रेंडी ले रहा था फॉर प्रोजेक्ट तो मैंने ये सोच ही नहीं है क्या कितना ख़र्चा आएगा क्या होगा क्या एवरेज देगा मैंने ये सोचा नहीं मैंने ले लिया क्योंकि स्माइल्स मैटर्स यू नो. लेकिन अभी एक हम थोड़ी इस तरह गाड़ी लेंगे जो कि एक फैमिली टाइप कार होगी और एक इस तरह गाड़ी हम लेंगे जो कि मैं अभी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ वो तो खैर कन्फर्म है. अभी मुझे आप लोग ये मशवरा दे दें कि सिटी अच्छी रहेगी या फिर रिबर्थ अच्छी रहेगी या फिर उसके अलावा अराउंड 30 में जो भी गाड़ी आप लोगों को मतलब आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ आप लोग सजेशन दे दें मुझे कि मैं कौन सी गाड़ी ले लूँ और जिस पर हम थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं. और एंड दैट वाज इट. तो आप लोग ज़रूर बताइएगा. मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पर भी सवाल पूछूंगा तो वहाँ अगर आप मुझे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर ले. और उसके अलावा अगर ये वीडियो पसंद आई हो शॉप वगैरह भी बंद हो गया और मोबाइल में भी चार्ज खत्म हो रहा है तो इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग करते हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग. अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इंस्टाग्राम पर अपने भाई को ज़रूर फॉलो कीजिए. अल्लाह हाफिज़.